आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। उदयपुर जिले के भिंडर स्थित गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवंबर 2018 के बाद से जैसे ग्रहण सा लग गया था। यहां पर नियुक्त प्रसूति रोग विशेषज्ञ जिनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद यहां पर प्रसव बहुत ही कम रह गए थे, पर एक बार फिर से सभी नर्सिंग स्टाफ और यहां के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर राजीव मेहता, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के बी मालो के नेतृत्व में फिर से महीने की 50 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं में विश्वास जगा है और धीरे धीरे गर्भवती महिलाएं वापस सरकारी चिकित्सालय में आने लगी है। इस कार्य में लेबर रूम के प्रभारी बीना भट्ट और अतुला मेहता का प्रयास सराहनीय है। साथ ही अशोक सिंह, हेमंत जाटोलिया, सपना रेगर, अफसाना पठान, राजमल कटारा, राजेंद्र माइडा, विराट चौबीसा, आशीष चौबीसा, संपत रेगर जैसे स्टाफ मुस्तैदी से 24 घंटे प्रसूति कक्ष में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही प्रसूताओं को राजकीय चिकित्सालय में प्रसव होने के फायदे जैसे शुभ लक्ष्मी योजना, राजश्री योजना, जननी सुरक्षा योजना के फायदे बता रहे हैं, जिससे प्रसूताओं और उनके सहयोगियों में फिर से इस संस्थान में विश्वास बढ़ रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताएं फिर से प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के दिन आकर अपनी जांच करवा रही हैं और यहीं पर प्रसव को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि प्रसूताओं को यहां पर सभी सरकारी लाभ के साथ प्रसव के तत्काल पश्चात बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर उपलब्ध है। खबर आपकी राजस्थान से, जदीप चौबीसा की स्पेशल रिपोर्ट। JSY के बारे में और शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, और हम सभी मिलकर अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट हो, संख्या बढ़े और लोगों को सभी जानकारी लेबर रूम से रिलेटेड दे रहे हैं। दोनों टाइम प्रसूताओं के बीपी, पल्स, टेम्परेचर लिया जा रहा है और उनको ब्रेस्ट फीडिंग के में गायनेकोलॉजिस्ट के जाने के बाद डिलीवरी की संख्या काफ़ी कम हो रही थी, पर स्टाफ के साझा प्रयास से भिंडर हॉस्पिटल में फिर से किलकारियाँ गूंजने लगी है और यहाँ के स्टाफ के सहयोग से HIV संक्रमण डिलीवरी भी कराई गई है और अदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली डिलीवरी भी कराई गई है, और हम सब के सहयोग से यहाँ पे डिलीवरियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है।